देखिए आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं, वो भी हमारे साथ हैं, बाइट दे रहे हैं, वो उनसे दूसरे चैनल पे दे रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शकों को सुनाऊं। मैं ही प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पर दंगल सदैव से होता आया है वहीं पर हम थे, तो उसका तो स्पष्टीकरण ये हो सकता है कि वहाँ पर 3000 के लगभग पब्लिक थी, प्रशासनिक अधिकारी, एडिशनल SP, CU, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था इस स्तर के, आपकी तस्वीर क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि आप मौके पे वहाँ पे थे, कार्यक्रम में थे? तो कार्यक्रम का तस्वीर हम जारी कर देंगे उसमें। अच्छा, फिर दूसरी चीज, नहीं, आपने जो प्रश्न किया उसका मैं बहुत अच्छा उत्तर दे देता हूँ। आज के समय में तो भाई साहब किसी का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सरकार से और आप मीडिया के बंधुओं से केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि सत्यतापूर्वक जाँच हो, जो भी दोषी हो उसको दंड मिले। नहीं तो आप अपने वीडियोस और तस्वीरें जारी कर दीजिए कि आप वहाँ पे थे, मौके पे नहीं थे, मतलब जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ नहीं थे। सब जारी हो जाएंगी। बाकी अगर आप व्हाट्सएप पर हमारे लोकल लखीमपुर का देखेंगे तो व्हाट्सएप पर चल रही है, क्योंकि कुश्ती का कार्यक्रम था तो वहाँ पर कार्यकर्ता भी थे, पब्लिक भी थी, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, दुकानदार भी थे, और तो और मतलब 20-30-50 शहरों से आए हुए पहलवान भी थे। लेकिन किसानों की मांग है आपके खिलाफ FIR होनी चाहिए और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि बोलते हैं कि वो आप मौके से भाग गए थे और फिर उसके बाद ये पूरी हिंसा हुई, आपकी गाड़ी थी, आपके पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड है, बिल्कुल वो गाड़ी वहाँ क्यों गई, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब साफ तौर से नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल साफ आ रहे हैं भाई। हमारे पिताजी, अब जिसे हमारे घर में अतिथि आएगा तो हमारा वाहन जाएगा कि कार्यकर्ता अपने आप लेकर के चले जाएंगे? हमारा वाहन जाएगा उनको रिसीव करके लाने के लिए, उसके बाद में दो कार्यकर्ताओं ने अपने वाहन और लगा लिए, इसलिए गए, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं इसका स्पष्ट प्रमाण दे रहा हूँ कि 9 बजे से लेकर के, सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम वहीं पर थे। उसका बड़ा कारण ये है कि हम उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, वहाँ पर किसानों के, पहलवानों के भोजन की व्यवस्था, पब्लिक को मैनेज करने की व्यवस्था, पब्लिक के लिए भी 500-700 लोगों का भोजन बनता है उसकी व्यवस्था, माननीय डिप्टी CMG का आगमन हो रहा है तो मंच की कैसी व्यवस्था रहे, ये सब चीज़ों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। विरोध के वातावरण में आप लोगों ने थोड़ा एक तरीके से रिस्ट्रेन क्यों नहीं किया अपने आप को कि भाई चलिए विरोध हो रहा है, खुलेआम विरोध हो रहा है आप लोगों का, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, आपके पिताजी बयान दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन हो रहा है, इतने लोग सुबह से जमा हो गए थे हेलीपैड पे और हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, तो कुछ तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कुछ हो सकता है, तो इसलिए वहाँ जाया ना जाए, गाड़ियाँ भेजी ना जाएँ? नहीं, तो उसमें वैसा हम लोगों को ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार की ऐसी घटना हो जाएगी कि मतलब इतनी बड़ी घटना कर देंगे। हम तो ये मान रहे थे कि भाई काले झंडे, विरोध प्रदर्शन करना न्याय हित है, विरोध प्रदर्शन करें, परंतु किसी की हत्या करना, तो ये तो हमको इतना आभास नहीं था वैसे। आशीष मिश्रा जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। बस अब हमारा ही ड्राइवर उसमें खत्म हो गया है और उसके बाद बताया जा रहा है कि रौंदा गया, गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और आपकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आप माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र। बस अब हम केवल इतना कहना चाहेंगे, अगर हम वहाँ पर हों तो बिल्कुल मेरी गिरफ्तारी हो, परंतु अगर हम वहाँ पर नहीं हैं तो सत्यता की जांच हो, सत्य जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो आतंकवादी घुस गए थे क्या? अब भाई साहब किसान तो नहीं हो सकते, अराजक तत्व तो कौन है? अब हमारे जनपद के तो नहीं कोई थे ऐसे लोग। भैया आपके पिताजी के ऊपर तो पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, सारी एजेंसी, सारी IB, सारी जो सुरक्षा एजेंसी है उनके ऊपर है, तो उनके पुत्र को भी तो जानकारी हो। नहीं, हमारा भाई साहब केवल इतना ही कहना है कि हम इतना, हमको ये सब नहीं था, लेकिन हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे, जब आपको इतना नहीं था तो आप कौन सा राजनीति में सक्रिय हो के इतना तेजी दिखा रहे? सक्रिय नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे पुश्तैनी दंगल होता ही रहता है, हम अध्यक्ष हैं लगभग 10-15 सालों से उस कार्यक्रम के। आप भी राजनीति करते हैं? राजनीति नहीं, हम एक व्यवसायी हैं, कृषक हैं, किसान हैं। कृषक और व्यवसायी के तौर पर आप वहाँ काम? नहीं, हमारा तो वैसे पुश्तैनी कार्यक्रम था, ये बाप दादाओं से चला आ रहा है, उसके अध्यक्ष इस समय हम हैं, यंग टाइगर। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है तो न्यायिक हो जाए, अगर हम दोषी हों, अगर हम कार्यक्रम वहाँ घटना स्थल पर हों तो बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे आदमी को कतई छोड़ना नहीं चाहिए। किसको? आपको नहीं छोड़ना? अगर हम दोषी हों तो। अच्छा, तो आपके पिताजी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर आपका बचाव कर रहे हैं, उनके पास तो इनपुट्स होगा ना भाई, सारी एजेंसी जो उनके पास है भाई, सब सीधी सामान्य व्यक्ति नहीं है, अमित शाह जी के जस्ट नीचे हैं वो, माने अमित शाह जी देश के दूसरे नंबर के पावरफुल व्यक्ति हैं और उनके जस्ट नीचे मतलब नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में बैठने वाला लुटियंस में जो जानता है, रायसीना हिल्स पे बैठने वाला जो मंत्री होता है वो इस देश का बहुत ताकतवर मंत्री होता है। आप तो दिल्ली से भी परिचित होंगे, पिताजी के साथ आते जाते होंगे नॉर्थ ब्लॉक में? बहुत कम आना जाना होता है,
लगभग ना के ही बराबर। दूसरी बात ये है सब कि हम वहाँ पर थे ना, हम सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के दंगल के समापन तक। बवाल कैसे हो गया? कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी से किसान कुचले गए, मारे गए, आपके ड्राइवर को मारा गया, तो आप इस पे किस रूप में सफाई देना चाह रहे हैं? आप तो अभी सुरक्षित मतलब इस तरह से इस कैंपस में घूम रहे हैं, पुलिस तलाश रही है कि नहीं आप? आपने हमको बुलाया था इसलिए हमको आना पड़ा, हम घूम नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे चार चार कार्यकर्ताओं की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। अब ये तो जांच होनी चाहिए कि किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए किया। भाई हम तो शांतिपूर्वक, आप अपना धरना दे रहे थे, हम अपना मुस्तैनी कार्यक्रम कर रहे थे कि टोटल कितने लोगों की मौत हो गई है, क्या मतलब था, पुष्टि कितने लोगों की हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है टोटल? अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं में चार लोगों का इन लोगों ने स्पष्टीकरण दे दिया है, एक हमारा ड्राइवर खत्म हो गया है। कितने लोग, चार या पाँच? अभी तो बस अब चार पांच लोगों की ही पुष्टि हुई। मतलब भारतीय जनता पार्टी या आपसे जुड़े हुए लोगों के चार या पांच लोगों के मरने की? जी भाई साहब। और किसानों के? किसानों का तो किसान कोई नहीं, किसान क्योंकि उसमें जो अराजक थे वो किसान नहीं थे। अच्छा, वो किसान नहीं, किसान ऐसा ठीक है। तो और बाकी लोग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बड़े बड़े लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वो क्या है? तो भाई साहब वो आ रहे हैं, वो आए, लेकिन केवल मेरा इतना कहना है कि न्याय हित काम हो। न्याय तो मुख्यमंत्री जी करेंगे ही आपके साथ। करें, बिल्कुल करें। कानून व्यवस्था को लेके बड़े संजीदा रहते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं। बिल्कुल, न्यायिक जांच डोजर लेके घूमते हैं। बिल्कुल भाई साहब, न्यायिक जांच हो, अगर हम घटनास्थल पर हों। फुल डोजर देखा होगा ना उनका? देखा है? बिल्कुल देखा है। और मैं ये भी, पार्टी के लोग हों या कार्यकर्ता हों, नेता हों, उनका बुलडोजर सब पे चल जाता है अगर ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सत्य बात है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव कानून को व्यवस्थित करने का, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने का काम। नाराज स्थिति में है वो, लगातार बैठक कर रहे हैं और पल पल पे नजर रखे हुए। वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर वहाँ घटनास्थल का जायजा हो, और चूंकि भाई साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर दंगल हुआ था वहाँ पर करीब 3000 की पब्लिक थी, और प्रशासनिक अमला चूंकि डिप्टी सीएम जी का कार्यक्रम था तो उसमें प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद था। बताइए, इतना भीड़ जमा हो रही थी तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा था कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, कोई काला झंडा दिखाया जा सकता है, कोई बवाल हो सकता है? तो आप माननीय सांसद के पुत्र हैं, माननीय सांसद जी हैं, मौजूद हैं, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि पशुधन मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं या होनुलुलु विभाग है उनके पास। इस देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विभाग है तो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद। जो केंद्र में गृह मंत्री होता है वो नंबर टू का माना जाता है, वो प्रधानमंत्री की हैसियत होती है, उनके वो सबऑर्डिनेट हैं, राज्य मंत्री हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। रायसीना हिल पे उनका ऑफिस है, नॉर्थ ब्लॉक में ऑफिस है, तो कितने महत्वपूर्ण है अजय मिश्रा टेनी जी, और उनके आप पुत्र हैं, उनकी सभा है, और ऐसी घटना हो गई तो पूरे देश की निगाह आप पे। मैं सब माननीय मंत्री जी तो केशव जी के डिप्टी सीएम साहब के साथ ही उनका वो इधर आ रहे थे, उनको रिसीव करने के लिए हमारे 3 वाहन जा रहे थे, तो उसके बाद में यकायक ये ऐसी घटना हुई, हमारे गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी गई, डिसबैलेंस गाड़ी हुई, ये जो भी कार्यकर्ता हमारे बूथ स्तर और सेक्टर स्तर के उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 2 दिन से हम बनवीरपुर में ही थे, तो बनवीरपुर में सब चूँकि दंगल का कार्यक्रम था तो भोजन और इन सब चीज़ों की व्यवस्था में हम लोग वहीं व्यवस्थित रहे, माननीय मंत्री जी भी मौके पर थे नहीं। लेकिन आप आखिरी मांग आपकी क्या है? हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। निष्पक्ष जाँच में वो योगी जी का बुलडोजर कहीं भी आ जाए? बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। अगर हम रत्ती भर भी, इंच भर भी दोषी हैं, या हम घटनास्थल पर मौजूद थे, या हम किसी वाहन में मौजूद थे, तो बिल्कुल जो भी। आपकी गिरफ्तारी की मांग इतने जोर शोर से की कर विपक्ष कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं, किसान नेता तथा कथित रूप से कर रहे हैं, तो उस पर क्या आपकी सफाई? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसान नेता, विपक्ष जो भी हो, उनसे केवल इतना आग्रह है कि न्याय हित और न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो वो दंडाधिकारी हो। तो आप भी तैयार हैं? हम है ही नहीं उसमें। आप नहीं हैं? हम उसमें 100% कह रहे हैं कि मैं केवल 9 बजे से लेकर के शाम तक कार्यक्रम स्थल पर ही रहा हूं, मैं कहीं गया ही नहीं हूं। तो बड़े खतरनाक तरीके से मारे गए, तो मारे गए हमारे कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता उनको मारा गया वैसे, उसके बाद में जो है जलाए भी दिया। अजय मिश्रा के पुत्र हैं आशीष मिश्रा जी, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं और वो सफाई अपने दे रहे हैं, उनके पिताजी अजय मिश्रा टेनी ने जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी सफाई दी, आशीष मिश्रा की सफाई भी दर्शकों ने सुना और देखा, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि जो दोषी हैं बिल्कुल उसके उनको सजा मिलनी चाहिए। योगी जी का पुत्र आशीष मिश्रा की तरफ से, और ऐसा ही अभी वो पेश करते हुए नजर आए।